हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने एक मैसेज किया था, कमेंट किया था, और ऐसा ही ना सिमिलर कमेंट्स बहुत सारे मेरे पास में आए हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये कॉमन कंसर्न है और कई सारे बच्चे इस बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक इस इशू को एड्रेस कर लें, और जो भी मैं आपसे कहूँ उसको आप समझ करके अपना एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यार ये पूछा गया है कि अभी आने वाले समय में जैसे कि सारी एग्जाम्स एसएससी की डिले हो रही है, तो एसएससी सीजीएल 2020 वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला था 15 सितंबर को, जो एज पर कैलेंडर एसएससी ने लिखा था, डेफिनेटली वो भी डिले हो गई। तो अगर वो डिले होगा तो कितना डिले होगा, और जो एज लिमिट है, मतलब मेन कंसर्न तो यही है स्टूडेंट्स का, जो एज लिमिट है वो कहां से काउंट होगी, क्योंकि जिनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है इस बार, जैसे कि जिसका अटेम्प्ट लास्ट है, तो 2020 में आखिरी अटेम्प्ट देने वाले थे, उनके केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एसएससी कहां से एज का लिमिट काउंट करेगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर ये एग्जाम डिले होकर नेक्स्ट ईयर पर जाएगी, अगले साल चली जाए, तो हो सकता है एसएससी अगले साल से भी एज काउंट करे, या हो सकता है एसएससी इसी साल से एज काउंट करे। तो इसी बारे में बात करेंगे, और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस एसएससी को लेकर के लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी नॉलेज मेरे पास में, जितना मुझे पता है एसएससी के बारे में, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा जितना मैं आप कह रहा हूं उससे एक अनुमान लगा पाओ कि एसएससी फ्यूचर में क्या कर सकता। तो सबसे पहले तो यार एक बात जो शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ही दिन पहले डीओपीटी का ऑर्डर आया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था, कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि भारत सरकार के अंदर आने वाले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उन सभी को काम पे बुला लिया गया है। मतलब पूरी तरह से उनको काम पे नहीं आना है, 1/3 अटेंडेंस कंपलसरी करी गई है। मतलब कि मान लीजिए किसी ऑफिस में 90 का स्टाफ है, 90 लोग काम करते हैं, तो केवल 30 लोगों को ही एट ए टाइम ऑफिस में रहना है। तो ऐसे रोस्टर बना के रोटेशन से बुलाया जा रहा है, और काम को रोका नहीं जा रहा सरकार की तरफ से, काम कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी भी इसी के अंडर आता है, एसएससी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, एसएससी भी चालू हो चुका है, एसएससी में भी स्टाफ जा रहा है, बट क्योंकि फुल फ्लेज स्टाफ काम नहीं कर रहा है, तो उस स्पीड से हम उम्मीद नहीं कर सकते एसएससी काम करेगा। और वैसे भी एसएससी का एक रिकॉर्ड रहा है डिले करने का हर चीज को, तो 1/3 स्टाफ के साथ में अब पता नहीं कितनी प्रोडक्टिविटी वो शो कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना एक इशू और है, अभी जैसे कि रिसेंटली आपको पता होगा कि सीएचएसएल वाली एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, उसमें टीयर टू जो होता है उसमें यूएफएम वाला एक इशू आया था। यूएफएम में क्या हुआ था, 45-60 स्टूडेंट्स को एसएससी ने रिजेक्ट किया था, और रिजेक्शन जो हुआ था वो बहुत हद तक गलत था बच्चों का, बच्चों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, ट्विटर पे काफी वो मामला चला, और रिप्रेजेंटेशन गए एसएससी के पास में, एसएससी ने उसका संज्ञान भी लिया, और एसएससी ने अपने नोटिस में ये एक्सेप्ट किया कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी एग्जामिन करेगी कि ये जो रिजेक्शन हुए हैं सही हुए या गलत हुए हैं। अब है ना, आप एक चीज समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 45-60 स्टूडेंट्स जो हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, एसएससी को इन सभी की कॉपी फिर से चेक करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि केवल जिनके रिप्रेजेंटेशन आए केवल उन्हीं को चेक करेगी, एसएससी अभी एग्जामिन करेगी कि उनसे गलती कहां हुई है, अगर एसएससी ऐसा करती है तो, ठीक है। कमेटी बनती है, और कमेटी देखती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चे इतना आउटरेज क्यों है बच्चों में, बच्चे क्यों इतना ट्वीट कर रहे हैं, फिर ये इशू जो है वो न्यूज़पेपर में छपा है, न्यूज चैनल्स में आया है, ठीक है। तो वो अगर एसएससी इसमें संज्ञान लेकर के काम करे ना अगर, तो एसएससी को काफी एनर्जी इसमें डाइल्यूट करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। 45-60 स्टूडेंट से कॉपी फिर से चेक होगी, और हर एक कॉपी में ध्यान से देखा जाएगा कि रिजेक्शन का कारण एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं टाइम को और एक्सटेंड करेगी, क्योंकि एसएससी के पास संसाधन कम है। अब यार एक्चुअल में ना बहुत कम लोगों को पता होता है कि एसएससी केवल एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, एसएससी टोटल 10 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। सीजीएल के अलावा एसएससी कंडक्ट करवाता है सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सीओ ग्रेड डी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर जिसमें इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल का होता है, फिर कांस्टेबल जीडी की एग्जाम होती है, सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम, और कई सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होती है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। ये आपको देखने को मिलेगा, आप जब कैलेंडर देखोगे एसएससी का, तो पूरा कैलेंडर आपको भरा पड़ने वाला है इस एग्जाम से। अब इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्स ऐसा नहीं कि केवल एक एक दिन में खत्म हो रही है, हर एक एग्जाम के अपने अपने फेजेस होते हैं। मतलब एग्जाम का टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा, कई सारे एग्जाम्स में टीयर 4 भी होता है, जिसमें कि आपको राइटिंग टेस्ट, सॉरी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, और आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। और एग्जाम अब ऑनलाइन हो रही है, तो एक टीयर 1 देखेंगे तो आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन चल जाता है। तो यार ऐसा है कि कैलेंडर अगर बना है प्रॉपरली, और जैसे कि आपको पता है सीएचएसएल एग्जाम आपका टीयर 1 हुआ था 18 मार्च को हुआ था, और एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद सारे एग्जाम नहीं हुए बाकी के, तो वो एग्जाम होने के बाद में आज लगभग 45 डेज से ज्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन को, तो ये 45 डेज का डिले हो गया है। अब जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा तो सीएचएसएल का पहले एग्जाम लेना पड़ेगा, सीएचएसएल कंप्लीट होगा उसके बाद जो एग्जाम लगी हुई कैलेंडर में वो एग्जाम होगी, ठीक है। तो आपका जो कंसर्न था सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन, कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 15 सितंबर डेट लिखी हुई है,
और 15 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना थे और उसकी डेट जो एग्जाम की आने वाली थी वो लिखी हुई नहीं थी कब से होगी। तो देखो यार, ये तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एग्जाम डिले आपकी होगी होगी, मतलब जो नोटिफिकेशन की डेट है वो भी पॉसिबली डिले होने वाली है। अब कंसर्न जो आपका है ना वो ये है कि यार ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो आपकी डेट है, एज लिमिट की डेट है, वो कहाँ से काउंट होगी। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में क्या हुआ था। जैसे कि आपको पता है 2019 वाला जो एग्जाम है 2020 में हुआ मार्च में, ठीक है, टीयर वन हुआ है। तो 19 वाले एग्जाम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला। तो 22 अक्टूबर 2019 को आपका सीजीएल का फॉर्म आया था और एक महीना आपको मिला था फॉर्म सबमिट करने के लिए, मतलब कि 25 नवंबर के आसपास आपकी आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की। यहां से अगर आप काउंट करो तो आपकी एग्जाम को वही 2 मार्च 2020 को, यानी कि नवंबर से आप मार्च में जाओगे तो आपको लगभग 100 दिन मिल रहे हैं बीच में। मतलब फॉर्म फाइनली जब सबमिट होता है उस डेट से अगर उठाएंगे आप तो 100 दिन के बाद एग्जाम हो रही है। अगर आप इसी सिचुएशन को उठा करके 2020 वाले सीजीएल में देखोगे, 15 सितंबर को आपकी डेट लिखी हुई है फॉर्म आने की, इसी फॉर्म को आपको भरना कब तक है, 15 अक्टूबर तक। यहां से आप 100 दिन ऐड कर लो अपनी तरफ से, आपको पता चल जाएगा एग्जाम कब तक हो सकती है। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से एग्जाम सारी डिले हो रही है, एसएससी की प्रोसेस डिले हो रही है, स्टाफ एसएससी में काम नहीं कर रहा, ना के बराबर काम कर रहा है, और एसएससी को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत है नहीं। तो ऐसी हालत में क्या होगा, आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो गई होगा, और नोटिफिकेशन डिले होने का मतलब है एग्जाम की डेट डिले होगी और सीजीएल 2020 जो है आपका आई थिंक 2021 में ही होगा। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं एज के बारे में, जो आपका प्राइम कंसर्न है और मुझे लगता है कई लोगों का एक कंसर्न है कि एज का क्या होगा। जैसे कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि टाइम जा रहा है, हर चीज डिले हो रही है। देखिए हर चीज है ना, आपकी एग्जाम थमी हुई है, कोई एग्जाम हो नहीं रही है, कॉलेज नहीं चल रहा, स्कूल नहीं चल रहा, बट उम्र ऐसी चीज है जो बढ़ी रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो पहले तो ना कई लोगों को पता ही नहीं है कि एज काउंट कैसे करते हैं एसएससी में। आपकी जो एज लिमिट होगी, जैसे आप सीजीएल की बात करते हैं अभी 2019 वाली एग्जाम, उसकी एज कहां से काउंट हुई, 1 जनवरी 2020 से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब आपका बर्थडे 2 जनवरी 1990 से 1990 से पहले आता है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका बर्थडे 2 जनवरी 1990 को आता है या उसके बाद आता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। क्लियर हो गया, सिंपल सा है। 30 साल से ज्यादा आपकी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 30 साल कंप्लीट भी नहीं होना चाहिए, 30 साल कंप्लीट हो गया आप कॉम्पिटिशन से, एग्जाम से बाहर हो, ठीक है। तो ये एज का आपको क्लियर हो गया है। अब सवाल अब यहाँ पे है कि जैसे अगले साल एग्जाम होती है मान लीजिए सीजीएल की, तो एसएससी क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 2019 वाले के लिए तो 1 जनवरी 2020 अगर डेट रख सकता है तो 2020 वाले के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो 2021 वाला डेट रखेगा। मतलब 2020 वाली जो एग्जाम होगी सीजीएल आपकी, उसकी जो डेट रखेगा वो 1 जनवरी 2021 रखेगा, जहां से वो आपकी एज लिमिट काउंट करेगा, ठीक है। ये मुझे लगता है क्योंकि एसएससी ने इस बार भी ऐसा ही किया है, बट क्योंकि देखिए लॉकडाउन की सिचुएशन है तो हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार शायद कोई रियायत दे दे, एसएससी शायद कोई रियायत दे दे कि उन बच्चों को जिनके एग्जाम नहीं हो पाई, एग्जाम डिले हुई है, तो शायद आपको एक साल का एक्सटेंशन है एसएससी दे दे अपनी तरफ से। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2020 से होगी या 1 अगस्त 2020 से होगी, ठीक है। ये मेरे अनुमान है, ऐसा हो सकता है क्योंकि क्या हो रहा है ना, लॉकडाउन का जो नुकसान है वो सभी को हो रहा है, तो इसका जो बेनिफिट अगर मिलेगा बाद में गवर्नमेंट देगी, सबको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि एज का आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर नहीं होता तो भी किसी भी सिचुएशन में, जो मैंने आपको बताया है, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, किसी भी हालत में सीजीएल की जो एग्जाम है 2020 वाली वो अगले साल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।